कोसा से मिल रही है। निजी स्कूल की वैन पेड़ से जा टकराई। हादसे में वैन में सवार एक दर्जन बच्चे चोटिल हो गए हैं। सभी का भांडारो सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। दरअसल सबसे पहले कोशिश इसी बात को लेकर कि बच्चों को सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया जाए। स्कूल वैन में सवार थे 19 बच्चे। सदर थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी को भांडारो सीएचसी में भर्ती करवाया गया। स्कूल वैन में 19 बच्चे सवार थे, पेड़ से जा टकराई और सदर थाना पुलिस को फिलहाल सूचना दी गई है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं। हादसे में वैन में सवार बच्चों चोटिल हो गई है। बच्चों को चोट आई है। सभी को भांडारो सीएचसी में भर्ती करवाया गया। हालांकि ये जानकारी अभिभावकों को अभी दी जाएगी। जाहिर सी बात है, गुस्सा जरूर निकलेगा अभिभावकों को और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचेगा। जांच शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच स्कूल प्रशासन पर भी एक अहम जिम्मेदारी, अब उस पर भी सवाल खड़े होंगे क्योंकि ड्राइवर की गलती थी या फिर क्या वजह थी, यह भी सामने आ पाएगा। लक्ष्मीकांत शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत, जरा जानकारी सबसे पहले यह दीजिएगा कि जो बच्चे चोटिल हुए हैं उनकी हालत कैसी है? कोई गंभीर घायल तो नहीं हुआ? और अभिभावकों को, स्कूल प्रशासन को क्या सूचित कर दिया गया? देखिए पूनम, जो परिजन है बच्चों के वो पहुंच चुके हैं, स्कूल प्रशासन से जुड़े हुए लोग और पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि जो टक्कर जो है वो पेड़ से जो वैन की टक्कर हुई है वो इतनी जबरदस्त है कि जो एयर बैग्स हैं वो भी डैमेज हो गए। और इससे भी जो गंभीर बात है, जो ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई है, लगभग 19 बच्चे एक वैन में सवार होकर के स्कूल जा रहे थे। तो निश्चित रूप से जब इतनी बड़ी तादाद में बच्चे वैन में बैठे हुए हैं तो उनको चोट लगना लाजमी है। गलती चूक क्या सामने आ रही है, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, ये अनियंत्रित होकर के वैन जो है वो पेड़ से टकराई है। क्योंकि इसको ओवर क्राउड तो बोल ही सकते हैं, 19 बच्चे वैन में बैठ नहीं सकते, 6 से 7 बच्चे को बैठने की जगह सफिशियंट होती है इसके अंदर। तो निश्चित रूप से अनियंत्रित होकर के जो ये गाड़ी है वो पेड़ से टकराई है। अस्पताल में जो बांडारेज है सीएचसी, उसमें सभी बच्चों को भर्ती करवाया गया है और एक बच्चे को गंभीर चोट बताई जा रही है जिसको रेफर किया गया। अभी तस्वीरें सामने आई है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह हादसा रहा होगा। बच्चे भी डरे सहमे अस्पताल से नजर आ रहे हैं। अभिभावक पहुंच चुके हैं, उनका गुस्सा देखने को मिल रहा होगा। लक्ष्मीकांत, बिल्कुल आजाद है, जो कहीं ना कहीं जो ये अव्यवस्था थी इसको लेकर के नाराज हैं, उनमें गुस्सा भी है। लेकिन चूंकि अब सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो बच्चों का इलाज करवाना और बच्चों की जो सुरक्षा है वो सबसे अहम। चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा लक्ष्मीकांत, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।